कांग्रेस पार्टी की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ कल पहुंच जाएंगी। बता दें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो पार्टी कार्यालय आएंगी और यहां आके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देने का प्रयास करेंगी। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए किस तरीके से पार्टी कार्यालय को सजाया गया है। हर तरफ कांग्रेस का जो बैनर है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ आने वाली हैं और पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बातचीत कर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करने वाली हैं। बता दें कि इस समय पार्टी के अंदर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं पदाधिकारी और कार्यकर्ता। तो आइए कार्यालय के अंदर चलते हैं और पदाधिकारियों से ही बातचीत करके जानते हैं कि अभी तक तो तैयारियां जितनी हो गई, लेकिन अब आगे की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से प्रियंका गांधी का स्वागत होने वाला है और क्या क्या रणनीतियाँ हैं। प्रियंका गांधी जी, कोविड के पहले भी उत्तर प्रदेश में जब सरकारें अत्याचार कर रही थी, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे थे, बेटियाँ जलाई जा रही थी बिना माँ बाप परमिशन के, तब भी प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश सड़कों पर थी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर फिर से प्रियंका गांधी जी कोविड के बाद कल से रहेंगी, मजबूती से रहेंगी, संगठन के लोगों से चर्चा करेंगी, कुछ जगहों पर जाएंगी भी। और जो उत्तर प्रदेश में अराजकता है, गुंडा राज है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस पर लड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना जरूरी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मंत्रणा करेंगी, दौराएं करेंगी और लगभग 3-4 दिन प्रियंका गांधी जी इस पहले फेज में रहेंगी। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की अहंकारी सरकार को हटाने तक 2022 में उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी इस अत्याचारी को, सरकार को उस तरह हटाएंगी जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण की अगुवाई में पांडवों ने, उनकी सेना ने युद्ध को लड़ा था। प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में प्रियंका गांधी जी कृष्ण की तरह कांग्रेस पार्टी का रथ को हाँकेंगी और विजय दिलाएंगी। हमारी बात कांग्रेस MLC दीपक सिंह से हुई, जिनका कहना है कि कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने 3 दिन के प्रवास पर राजधानी लखनऊ कल पहुंच जाएंगी और तमाम तैयारियां उनके स्वागत के लिए हो चुकी हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी आकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेता मंत्री से बातचीत कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करेंगी। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचारी सरकार है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको भी 2022 में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगी और अपने नाम 2022 के चुनाव में जीत कर परचम कांग्रेस का लहराने का भी काम करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।